विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागननाय स्तुति यज्ञ विस्ताय गतसुताय गणनाथ नमस्ते। आठवां अध्याय नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरांगनी सेना को खेल ही खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी के राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया, तुम एकाग्रचित से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयाधिक अंग न्यास तथा अंगुष्ठाग दीकर न्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि आठ अक्षरों का क्रमशः पैर घुटने जांघ पेट हृदय वक्ष स्थल मुख और सिर में न्यास करें। अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत आठ अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं आठ अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र के ओम आदि बारह अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथों की आठ उंगलियों और दोनों अंगूठों के दो दो गांठों में न्यास करें। फिर ओम वैष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्म रंध्र में, स का भाव के बीच में और ण का चोटी में और वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मह ओम मम अष्टाय फट कर दिगंबर करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य धर्म यक्ष लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, अर्माधिक आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। आठ हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास पंदा धारण किए हुए हैं, वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, जिनके गोट अट्ठास से सब दिशाएं गूंज उठी है और गंध और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले जंगल रणभूमि और विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। हरे नमः। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वत के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हाय ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत्य से, जितेंद्रिय भगवान विषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकावाद से, बलराम जी मनुष्य कष्टों से और शेष जी क्रोधवश नामक सर्प के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वापायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव अखंडियों से और प्रमादों से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर और कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर
को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायकाल में ब्रह्मा और आदि त्रिमूर्ति धारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वात्सल्य श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र के रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रयकालीन अग्नि के समान अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान हंसा है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं, मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांडक विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादिक ग्रह को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। हरे नमः। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु, कुशल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पाधिक रेंगने वाले जंतु, दाड़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों में हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हैं, वे सभी भगवान के नाम रूप और आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहत रदंतर आदि सांग यदि स्रोतों जरा जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विषक संजीव अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि का नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्ति से बचाए। जिनका जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध धारण करते हैं। भूषण आयुध रूप नामक शक्तियों को धारण करती, यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब सर्व स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्ठास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसी दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्र से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, भूत, पिशाचादिक और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्रत अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वाल्खल्य मुनि ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवताओं की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को चले गए।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और आदर पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सद्यकृतु इंद्र ने आचार्य विष्णु जी से इस वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रिलोकीय लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वप्रत्याधेतवे ताप्तर विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वप्रत्याधेतवे ताप्तर विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वप्रत्याधेतवे ताप्तर विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव, जय जय महादेव, जय जय महादेव, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम नमः इति।